अगली खबर संभल से है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। शासन का मकसद था शौचालय बनेंगे तो जिनके पास सुविधा नहीं है वह लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए भारी भरकम धनराशि खर्च कर शौचालय का निर्माण कराया गया। और आपको बता दें इनमें महिला व पुरुष के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा से शौचालय निर्माण सार्थक नहीं हो रहा। सामुदायिक शौचालय में ताले शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें जनपद संभल गुन्नौर तहसील क्षेत्र के विकास खंड जुनावई के एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी सामुदायिक शौचालय में ताले लटके नजर आ रहे हैं। इसमें जरूरतमंदों को जाने का मौका नहीं मिला। लोग खुले में शौच जाने के लिए विवश हैं। बारिश में तो बाहर जाना और भी खतरनाक है क्योंकि विषैले जीव जंतुओं का खतरा बना रहता है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी गांव को जाना और जन सुविधाओं व समस्याओं को जानना नहीं चाहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव स्थित सामुदायिक शौचालय का निर्माण मानक विहीन कराया गया है तथा शौचालय अभी भी अधूरे पड़े हैं। गांव में लाखों रुपया खर्च कर बनाए गए सामुदायिक शौचालय निरर्थक साबित हो रहे हैं। अगर कई गांव में जो शौचालय बने भी हैं उनमें ना तो पानी की व्यवस्था है, साबुन सैनिटाइजर से लेकर ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है। ग्रामीणों ने बताया सामुदायिक शौचालय को खुदवाए गए गड्ढे मिट्टी से भर चुके हैं। पानी के लिए ना बोर करवाया गया और ना ही टंकियों की व्यवस्था की गई थी। गांव के विकास को आए दिन सरकारी धन का बंदर बांट करते यहाँ पर जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। हरवेश, कहाँ के रहने वाले हो? गहट के। ये बताइए शौचालय कभी खुलता है या नहीं? इस तरह से ताला पड़ा रहता है इसमें? सर, ताला ही पड़ा रहता है इसमें। कभी कभी खुलता है एक घंटे के बाद दोपहर में। दोपहर में? दोपहर में खुलता है कभी कभी। कितनी देर के लिए? ज्यादा ज्यादा एक घंटे के लिए बस। अच्छा, यहाँ के प्रधान, उनका नाम क्या है? क्या नाम है? लच्छावती। यहाँ के जो प्रधान है लच्छावती नाम है। गांव के और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम है? पंजाबी। पंजाबी, ये बताइए क्या कभी सामुदायिक जो शौचालय है खुलता है? ऐसा ना खुलता। तो इसको लेकर कभी गांव वासियों ने शिकायत नहीं की? शिकायत सर सुनना है, नरी पार नरी पोत ने शिकायत है। कहाँ पे आपने शिकायत की थी? अरे ये सैकड़ों आबताएं प्रधान से इस बारे में कहा? प्रधान नहीं कहती कि नहीं, मेरी इच्छा हुई खुलवाऊंगा, मेरी प्रधान इच्छा हुई ना खुलवाऊंगा। अच्छा, ये कहा था अगर उनकी इच्छा होगी तो खुलेगा, नहीं होगी तो नहीं खुलेगा। ना खुलेगा। आप देख रहे हैं सरेआम सरकार की आज्ञा की अवहेलना हो रही है। सरकार इधर स्वच्छ अभियान को लेकर कड़े कदम उठा रही है, लेकिन कुछ संबंधित अधिकारियों की वजह से। भाई साहब, आपका कौन सा गांव है? ये सामुदायिक शौचालय आप इसमें कार्य कर रहे हैं सुपर के तौर पर? हाँ। तो क्या परेशानी आपके लिए? ये परेशानी है, डेढ़ साल पानी नहीं है, ना कोई व्यवस्था, सैनिटाइजर भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, साबुन नहीं। और आप समस्या बता रही थी वो क्या थी? तनख्वाह एक साल तो मुझे तो कोई देना, एक पैसा भी नहीं दिया किसी ने।